और यह हमारी कोशिश है, हटना भी चाहिए। जाट समुदाय द्वारा उसके भूमि पर कब्जा कर रखा है उन्होंने, और दो तीन तालाब उसके कारण से सूखे हो गए हैं और जानवर पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। है वहाँ जाता पंचायत मुख्यालय में गौचर भूमि में अवैध मंदिर निर्माण की कोशिश की है किसी समुदाय द्वारा, और पानी की आवाक रोकी गई है, दो तीन नाड़ियां वो सूखी पड़ी है, जानवरों को पानी पीने की समस्या आ रही है, गाँव लोग इसके लिए मुद्दा उठवाया और इसे हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कलेक्टर साहब के पास आए हैं, फिर 100-200 की तादाद जनता आई है, हर समाज से आई है, और यह हमारी कोशिश है हटना भी चाहिए। कौन कर रहा है कब्जा वहाँ पे? अवे सब समुदाय द्वारा, मतलब दूसरे समुदाय जाट समुदाय द्वारा, जाट समाज तालाब है, हाँ गौचर भूमि पर कब्जा कर रखा है उन्होंने, और दो तीन तालाब उसके कारण से सूखे हो गए हैं और जानवर पीने के पानी की भी समस्या आ रही है। इस सारे कारण से गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि कलेक्टर साहब से ज्ञापन देवे और उस जगह को खाली करवाएं, और नाइट में मंदिर बनाएं, और वहाँ भी दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है। किस चीज का मंदिर बन रहा है? वो तेजा जी का बन रहा है। पूर्व शिकायत की थी आप लोगों ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस कारण अब तहसीलदार को कलेक्टर साहब ने हम दी थी बल्कि शिकायत, अगर अभी मिलने के बाद में कार्रवाई नहीं होती कोशिश करेंगे। शनिवार इतवार उन्होंने टाइम देखा, उसको कब्जा कर लिया, उसको प्रशासन की छुट्टी थी, तो हम दोबारा ज्ञापन देने आए हैं। अब पूरे गांव की तरफ से आए, 100-200 की तादाद में पब्लिक आई है। नहीं अभी भी मिलने के बाद हाँ कोशिश करेंगे, ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं होगी आगे और दंडा देंगे। हाँ जी चंद्रशेखर राठौड़ वार्ड पंच 2 नंबर वार्ड से। राम जी के नाम।